एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। फिर से फ्रेंड एक बिग अपडेट जुपिटर पर लेसी की जो भर्ती निरस्त हुई है और जिसकी परीक्षा जो है टली है स्थगित हुई है। तो फ्रेंड इस पर चर्चा करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षाएं कब तक कराई जा सकती हैं इसको भी जानेंगे, और परीक्षा कराने में क्या सरकार को अड़चन आ रही है, सरकार क्यों परीक्षाएं समय से करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, इन सब पे चर्चा करेंगे और सारे असमंजस को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे वो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप पूछेंगे, उसका भी आपका निराकरण इस चैनल के माध्यम से जरूर किया जाएगा। फ्रेंड तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को, वो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में प्रेस इसलिए कर लें फ्रेंड ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पल पल की आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड जान लेते हैं, बात ये है फ्रेंड की भर्ती एजेंसी है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भर्ती कराई जाती है उसके लिए चार एजेंसियाँ होती हैं। चार एजेंसियों में एक एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। दूसरी एजेंसी जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई एजेंसी वो वर्क करती है। तीसरी एजेंसी जो थी ग्राम पंचायत बोरिंग टेक्नीशियन, ये परीक्षाएं जो आयोजित कराई गई थी या ग्राम पंचायत जो निरस्त हुई है तो इसलिए इस भर्ती का जो निरस्त हुआ तो एजेंसी वाकई कटघरे में खड़ी हो जाएगी, वो कैंसिल करेगी। बची अब एक एजेंसी, यदि एक एजेंसी से परीक्षा यदि करा ले राज्य सरकार तो बहुत जल्दी ही परीक्षा संपन्न हो सकती है। अगर किसी दूसरी एजेंसी का बिड निकाला जाएगा यानी कि चयन किया जाएगा तो फ्रेंड वो 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मार्च का तीसरा महीना और 5 महीने के बाद 8वां महीना यानी कि अगस्त सितंबर के बाद यदि सरकार भर्ती एजेंसी का चयन करेगी तो परीक्षा स्वाभाविक है नवंबर तक जाएगी, और रिजल्ट परिणाम कब आएंगे ये आपको 2-3 महीने बाद मिलेंगे। तो सरकार का मार्च में कार्यकाल पूरा हो रहा है ये भी आपको पता 2022 के। तो कुल मिला के फ्रेंड जो है देख लेते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल्स है। स्थगित भर्तियों के अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं बाकी हैं, निर्णय में देरी तो लटकनी तय। यानी कि जो 3 स्थगित भर्तियां हैं इसके अलावा जो है बात की जा रही है यहाँ वीडियो की परीक्षा निरस्त हुई है लेकिन विज्ञापन जो निरस्त नहीं हुआ है। तो इसकी वीडियो तो पहले ही आपको इस चैनल के द्वारा बता दिया गया था कि विज्ञापन नहीं निरस्त हुआ, सिर्फ परीक्षा निरस्त हुई है, इसलिए जो भी फॉर्म अप्लाई किए उनको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। लेकिन परीक्षाएं समय से हों तो ठीक है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद विद्यार्थी वेट किए, फिर उसके बाद जो है कैंसिल हुई, फिर अब उनके साथ दिक्कतें हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि जो इसमें एसटीएफ जांच कर रही है फ्रेंड, एसटीएफ जांच करने के बाद ये जानकारी मिल के आ रही है कि जो ओएमआर सीट 100 ओएमआर सीट जो वो नहीं मिल रहे थे, कुछ जो है उसमें 100 ओएमआर सीटें मिल गई हैं। इसके बाद जो काफ़ी खोजबीन जो है जारी है कि तो कुछ मिली है, कुछ और खोजने की कोशिश की रही है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे जुड़े हुए तार हैं। क्योंकि आयोग के भीतर से लेकर परीक्षा में जो जुड़े तंत्र हैं तमाम लोग जो है अब एसआईटी की जो जांच हुई उस पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ तक बात हो रही है कि 3 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच एसआईटी कर रही है उन अधिकारियों के खुलासे से जो है ये सूचना जुटाई जा रही है कि आखिर ये जो ओएमआर सीट है जो मेरिट सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी कितने बाहर हुए हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि जो एजेंसी पहले से इम्पैनल है यानी कि पैनल में वो नहीं है, आयोग केवल वित्तीय बिड निकालकर इन एजेंसियों में से किसी एक का चयन कर सकता है। और जानकारी ये भी बताते हैं कि 4 एजेंसियों में से एक पहले ही किसी मामले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड वही चर्चा है जो मैंने आपको बताया, उसी चीज़ का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि यदि सरकार चाहे तो इम्पैनल जो हुई है भर्ती एजेंसी उसको केवल वित्तीय बिड निकाल करके जो ये कर सकती है एजेंसी, और इसका जब चयन सरकार कर लेगी तो परीक्षा आपकी ये मान के चलिए तो अब मई में हो जाएगी अगर ये होता है तो। यदि सरकार राज्य सरकार ये नहीं करती यानी कि वित्तीय बिड नहीं निकालती है तो भर्ती एजेंसी का चयन नहीं होगा, तो इसके लिए फिर जो है एक नई प्रक्रिया के तहत एजेंसी का चयन होगा। तो फिर परीक्षाएं ये फ्रेंड 5 महीने लेट लतीफी के चक्कर में पिस जाएंगी। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जो अध्यक्ष महोदय की तरफ उसको देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि आयोग फिलहाल रद्द की गई परीक्षा की एसआईटी जांच से जुड़ी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग देने में व्यस्त है, अन्य भर्तियों से जुड़ी कार्यवाही चल रही है। तो ये कहना है प्रवीण कुमार चेयरमैन जो है प्रवीण कुमार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। तो फ्रेंड कुल मिला के विद्यार्थियों का ही नुकसान है कि ये सहयोग कर रहे हैं, सहयोग अब तक किए, सहयोग कब तक करेंगे इसका भी कोई पता नहीं है, और परीक्षाएं कब सुनिश्चित होंगी इसका भी कोई पता नहीं है।
तो इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड आपकी पूरी आशंकाओं का समाधान करने की कोशिश की गई कि भर्ती परीक्षाएं कब हो सकती हैं, भर्ती परीक्षाएं अगर होंगी तो कितने महीने में जल्दी हो सकती हैं, लेट होंगी तो कब तक हो सकेंगी, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब का हमको लगता है आशा करते हैं कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू।